वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये सभी सवाल आपके सिलेबस के हैं जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत के रेलवे मंत्री कौन हैं? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ये सवाल पिछले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इनमें बहुत कोई कंफ्यूज थे, उन्हें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर तीन, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर फोर, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर फाइव, वायरस जनित रोगों का समूह निम्न में से कौन सा है? वायरस से लगने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो एवं डेंगू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं हैं? मतलब मच्छर से नहीं होने वाला रोग का नाम बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। मच्छर काटने से नहीं होता है, बाकी आपके मच्छर के द्वारा फीलपाव, डेंगू, मलेरिया ये तीनों होते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है, आपके सिलेबस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आता है, वीडियो बनाता है, आप तक पहुंचाता है। यदि आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी मिले। क्वेश्चन नंबर सात, इनमें से कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? जिससे तेल नहीं निकाला जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरहर। क्वेश्चन नंबर एट, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारों वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर नाइन, मूत्र एसिड होता है, इसका पीएच मान कितना होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। एसिड की वैल्यू 7 से हमेशा, एसिड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से हमेशा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त करे थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, 94वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माफ करिएगा, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सवाल आपके आगामी एग्जाम के लिए VVI है, पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, 16वीं एशिया मीडिया बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैलासाइट। क्वेश्चन नंबर 14, पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिकवेट। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, GST किस प्रकार का कर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से वह कौन सा देश है जहां आज भी राजशाही शासन चलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली महिला शासक कौन बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। एक सवाल आपके लिए है, यदि आप जवाब बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा की फॉर यू और इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? सवाल अच्छे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा की फॉर यू और इसका राइट आंसर। आपको लगे ऑप्शन जो राइट है वे आपको टाइप करके कमेंट कर देना है
और वीडियो पसंद आया तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं करे हैं तो लाइक जरूर जरूर कर दीजिए, और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप शेयर अवश्य कीजिए और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो निश्चित आप औरों से अलग होंगे, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।